DTV ओडिया चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन रे क्लिक करंतु। हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ओडिशार गणित श्रोता मंडली तथा भक्त मानू अनेक अनेक शुभेच्छा जनाऊ, स्वागत जनाऊ आज सत्संग आलोचना को। आज सत्संग आम आलोचना कर प्रज्ञा पुराण वेदमूर्ति तपनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य अखिल विश्व गायत्री परिवार जे गुरु तांकर ये प्रसाद रचना प्रज्ञा पुराण। ये प्रज्ञा पुराण रे परिवार खंड तृतीय भाग परिवार खंडर आम आलोचना करुचे। परिवार भितरे आपण माने देखिथिबे अनेक समय रे ज्ञानी गुणी मंडली प्रति घर कथा ये अनेक समय रे कोलिकजिया हुए तो विभिन्न कारण सब होउथिबो अशांति अराजकता बा परिवार भितरे गंडगोल झगड़ा मानसिक दुश्चिंता ये तो अनेक कारण जो हो पारे सी धन पे हो पारे कि पड़ीसा पे हो पारे कि अन्य पिला छुआ हो पारे कि बापा मांग पे हो पारे अनेक अशांतर ये गोटे गोटे हूँ माध्यम। किंतु अनेक जगार गोटे विशेष कारण रही अशांतिर कौन ना धन धन पैसा बा टंका मनी बोली जहाँ को आम कहे ये धन रोजगार पर पैसा परिवार अनेक भांगी जाए परिवार अशांति देखा दिए स्वामी स्त्री भितर मत मतांतर देखा दिए भाई भाई भितर शत्रु साजती ये पैसा पे धन पे हाँ से भाई कहीं ये नाला मोर कहीं ये जमी बाड़ी बांट कुंट तार ये मोर ये परिवार धनपाई ही भाई भाई बेकर भुजाली लगाए स्वामी स्त्री भितर मतांतर हुए बा झील पिला माने कथा मानते ना मत आवश्यकता पूरण हुए ना धन द्वारा बापा माँ मध्य संतुष्ट हुए ना ये पुओ रोजगार करुच्ची स्त्री हाथ में पैसा दौची आमको दौनी ये सब गोटे गोटे हुए तो कारण नुई परिवार भांगीबार परिवार अशांति हबार ये गोटे गोटे कारण का कारण मुख्य कारण हूँ कौन ना धन तेनाली कहते परिवार धनर सदुपयोग। आज विषय परिवार रे धनर सदुपयोग आम कमी करवा धनवान हबार गुप्त रहस्य कौन शास्त्र गोटे कथा लिखा जाए कौन धनटा के आवश्यक मनीष जीवन रे चारोटी जिनस कमेवा दरकार ज्ञानी गुणी मंडली गोटे जिनस नुह मनीष जीवन रे चारोटी जिनस आम कमेवा दरकार आपण को भी गोटे जिनस कमेवा आम जानचु गोटे जिनस रोजगार करवा जानचु ता हूँ कौन ना धन सका उठिले आजिकल लोकों कृष्ण मुह चाहिए खुशी लगुच सका उठिले आम मान कौन हनुमान मुह देखिले आनंद लगुच ना सका उठिले राम मुख दर्शन कल का आनंद लगुच ना सका उठिले जदि 500 टंका नोट रे गांधी मुह टे दर्शन करदेले ना से दिन आनंद बीतुच हरे टंका 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 हरे हरे नहीं आज मनीष ये गोटे टंका 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 पैसा पैसा संसार ए जे बंधु देवा नेबा बंधु न देले न नेले किए कहार तुम परी बंधु किए से बकी पूर्ण करी देव सुदामा पुरा दिन बंधु ही बंधु तुम्हें मोहरा
जगबंधु ही बंधु तुमे मोहरा जिए जे उपरी भाबुची तुमको सही अनुसारे तुमे तारा दिन बंधु ही बंधु तुमे मोहरा सुधियन तनु संसारे जे बंधु देबा नेबा बंधु न देले न नेले कि कार जदि आपण कागु देबे नाही कि आपण को कि जदि देला नाही संसारे मनीषर संपर्क आ को रहियो ना बंधु बांधव कटि जियो गुआ पके जे बंधुटे जियो बाहर को आमे व्यवहार दबानी कि किछि आभूषण अलंकार आमे ताकु देलेनी ता घर को जाय कि ताले कण संपर्क रहियो ना बंधुता कटि जियो नहीं तेणु से संसारे जे बंधु देवा नेबा बंधु नदे ना किए कार कही कार दुनिया रे नहांती जदि ये केवल संपर्क हूँ स्वार्थर धनर धन सहित आज भी दुनिया रे आपण मैंने देखते सुधि जानी आज समाज रे धनटा बहुत आवश्यकता धन नाम कौन बाट चल पार गोटे पर दोकान जा दि चारिपद प्रवचन दौची मत आलु दी किले दस दब ना तभी पैसा देवाक पड़ो नहीं बस रण जी बस रहीकिण कहे ना बस मुझे पोछीपाची दौची आ मत बस नहीं जाओ कटकुर मत नहीं जाओ बालेश्वर से कौन नब ना तभी पैसा देवाक पड़ो तेणु अर्थटा बर्तमान बहुत आवश्यकता रही मनीष जीवन में चारोटी आवश्यकता हूँ कौन चारोट जिनस मनीष कमे रोजगार करने कौन कौन ना प्रथम है धर्म प्रथम धन न प्रथम धर्म धर्म प्रथम सी अर्जन कर कहीं धर्म एका सीना महत पणिया आउ कथा सब अढ़े दिन आउ सब जिते जहाँ जीवन रे कमे अढ़े दिन पे नहीं कोठा गाड़ी जहाँ कले कोठा कले गाड़ी कले घोड़ा कले जमी बाड़ी कले सी कौन सबुदिन आम सागे रही थो मरीगला से केवल यही शरीर पर्यटन रहा ये जन्म पे से गुड़ी को आमे ताकु उपयोग करिवा ना ये सब माटी रहिबो पड़ी रहिबो भूमि रे चली जीवा खाली हाथ आउ जहाँ कि सब कमेचे स्त्री बाहर स्त्री की पिला छुआ जन्म कर स्त्री कौन आम सांगे जीव कि ना से पूरा घर दुआर मो पर्यंत जीव घर घरणी देह केड़ाओ थीवा घेनी ज्ञाति कुटुंब सोथा होइबो घर घरणी से देह खेलाऊ थो दुआर मो पर्यंत जीव गोबर पाड़ी टे पकईदेव झाड़ू मारदेव कांद चली गले कमी थोटा गचटा एक बचीबी मत बर सागर नहीं आई था कमी विधवा रूप में बचीबी यही भली स्त्री कांद कांद तार धर्म कांद सी न कांदे भल साजे स्वामी मरी जाइए स्त्री कांदा नहीं हसला पगड़े ही जाती ना स्वामी प्रति तार लोभ ना मोह ना देख लोक साई पड़सा लोक कह समाज निंदा कर तेणु स्त्री कांद स्त्री मरीज स्त्री मरबी हाँ से गोटे समय थिला सतीदाह प्रथा थिला स्वामी मलापर स्त्री इच्छा था न था जबरदस्त नहीं जुई उपर शुआई दि जाऊला पोड़ी जंत्रणा छटपट हो मरुला जीवंता अवस्था स्त्री की पोड़ी दि जाऊला स्त्री सती हम स्वामी मलापर स्त्री ता सहित पोड़ हो जुई में मरव ताकि स्त्री सती हम ये सतीदाह प्रथा समाज में थिला राजा राममोहन राय जितेबले जन्म होते सेत निज भाई मलापर तक भाउज को जिते बड़े जबरदस्त नहीं टेकिक जुई उपर शुआई दिगला पोड़ी मार दिगला सी देखे आहा कि विवच्छदर्शी जन मनीष मलापर मनीष मला मनीष पोड़ी हम ये जीवंता पोड़ दौर बहुत बाधिता कष्ट होता बोली राजा राममोहन राय से समय समाज विरुद्ध ये सतीदाह प्रथा विरुद्ध संघर्ष कले संघर्ष करे सतीदाह प्रथा उठे नहीं ये सतीदाह आज ना सतीदाह प्रथा उठी जा तेणु स्त्री वर्तमान आपण स्वामी सहित से पोड़ी मरीहब ना घर दुआर मो पर्यंत से स्त्री ही जीव आउ साड़ को जीव ना के कांदीबो दिना दशरे कुमार के कांदीबो दिना बारह के दिन दस दिन कांदीबो किए बार दिन कांदीबो किए मसे दिमास कांदीबो ये कांदी कंदी रही रही जीवन आगे कौन सब जाए पड़े आम सागर मरवे ना स्त्री घर दुआर मो पर्यंत जीव पिला पिली जो मैंने अच्छा पुह झी जहाँ जीवन में सब जन्म देते से पिला छुआ कौन आम सागर मरीजी बापा मरी जाइए मुझे मरीजी ना सी मत कांधी मशाणी सागे जीवे ना पोड़ पार देखिए गाधे पार घर को पड़ी आसे झा बाटर जे झा पुणी भूल जी मटन पुणी आनंद ऐश्वर जीवन बीतेंगे तेणु जीवन में जहाँ कि कमे ये सब जाक ये पड़ी
रहिबो। धन जे बोले रुपिया टंका कुछ नहीं जाना, धन जे बोले रुपिया टंका जहाँ को आम कौ मनी ये सांगे रे किछि जीव ना केवल गोटे जिनस जीव ता हूँ पुण्य बल ता हूँ धर्म बल। ये हाथ में कते धर्म कमेचे, ये हाथ में कते पुण्य अर्जन करिचे सही जिनस जीव अन्य किछि जीव ना। तेणु जदि मनीष जीवन प्रथमे धन नुह प्रथमे धर्म रोजगार कर सी कहले प्रथमे धर्म धर्म कर धर्म कर धर्म कर। द्वितीय हूँ अर्थ धनटा कथा द्वितीय आसे प्रथमे धन धर्म कमेब द्वितीय धन कमेब तृतीय काम चतुर्थ मोक्ष ये तीनोटी जिनस को मनीष जीवन में कमेवा दरकार बा रोजगार करवा दरकार। तेणु किंतु आज परिस्थिति आज समाज में धनटा बेस आवश्यकता पड़ी धन बेस दरकार नहीं धनर आवश्यकता बढ़ी जाइए। आज जदि धन न थो आज समाज का पाखे तार समाज में परिचय कि ना जन पा धन ना दुनिया किए पचार ना आज से अलोड़ा दुनिया से अलोड़ा तार परिचय समाज में किसी ना अलोड़ा सी गोटे द्रव्य सहित अलोड़ा द्रव्य सहित तार तुलना कर जाए समाज पैसा ना पैसा अच्छी आसे गंड मूर्ख ही था बर टीप दिखाई था ताकू नहीं उच्च आसन में बसई थे तार प्रशंसा करुवे ज्ञानी मैंने निकट हाथ जोड़े जहाँ पाखे धन अच्छी आज समाज ये समाज चलनी से शास्त्र में कहा के माता निंदंती नाभि नंदंती पिता। धन जदि ना आपण रोजगार जदि आप कौन हम ना माता निंदती प्रथम माँ ठार आरंभ करवा माँ निंदा करा पु हो गला 25 वर्ष कि 30 छुईला पुह एपर्यंत चाकरी खंडे करनी कि बेपार पटा किसी करनी रोजगार करूनी बापा होटेल खाई पु बुलू जदि बापा होटेल पु खाई बुलू 30 वर्ष पर्यंत कौ माँ खुशी हे से पुहर कह आजिकल आपण मैंने माँ मैंने सब अच्छा कौन खुशी आपड़ हे आप पु 30 वर्ष पर्यंत रोजगार करूनी बापा होटेल खाई बुलू माँ मैंने कौन खुशी हे पु कड़े जाइ बुले बाली घरे आस पहुँचला खेणी माँ तार कौन कह बापा बयस के देखुची बुढ़ा बापटा आसिक 70 वर्ष छुईला केते दिन बापा पैसा चलू केते दिन बापा ते बस बासा हबु ना ना हाथ को दी हाथ तोर हम ना ना आज बाहन का स्त्री टी आस पिला छुआ हे ए संसार चलू तू कमी बापा होटेल आज पर्यटन खाई तू चलु ठीक एपर्यन निज रोजगार करने चिंता तू कलुनु पैसा टी रोजगार कथ चिंता कलुनु माँ निंदा कर किंतु पुओ जदि मासक 30,000 चाकरी करी हौ बेपार पटा करी हौ रोजगार करी आनी माँ हाथ में दे दौथिव माँ खुशी हो ना आईदे बड़ा भी शिक्ष नमर आ मो पुटा मुह सुखी जाइए कड़े जाइए बाहर ये बुले बुले आईला खटी खटी छुटा है खाऊनी पिऊनी चाकरी कर कलिकतार ये मसक थे आसूँ जे दिन रोच कला काट पड़ जाए खबर आगे बुझा नहीं माँ कादी पक आखिर लुह गढ़ पक माँ को 30,000 आणिक रोजगार करी चाकरी करी माँ हाथ में धरी दौथा रोजगार जदि ना बा खुशी हे तेणु माता आज समाज कथा कहते माता निंदती माँ निंदा करी पैसा आपण पाखे ना धनटा के आवश्यक पैसाटा के दरकार जिनस आपु देख जानते माता निंदती आउ कौन ना नाभिनंदती पिता आ मैंने कौन बापा पिता कले बापा नाभिनंदती अर्थात बापा मत स्वागत करना नाभिनंदती कले कड़े आप बाहर को जाइए घरे आसी पहुँचीगले हटात कि दिन दीटा बेले पहुँचीगले आठ बापा घरे बस थे नहीं बापा पाखे पहुँचीगले बाबू हिरी हिरी बाबू ए शुणुच कौटी अच ए गल कड़े बाबूला आसिक पहुँचला बाबूला आसिक पहुँचला खाया पीया आगे बुझला आगे ता खाया पे बुझ बुझर भोक बणी आस दुटा टाइम है खाया कथ बुझ मो पचर बाढ़ पचे मुझ पचर बर खाई ता कथ आगे बुझल बापा खुशी हो जीवना कहीं पु रोजगार करके आणिक बापा हाथ में मसक मस 30,000 धरी दे बापा खुशी हो आज समाज आज बापा मैंने कि पु जदि रोजगार करूँ पुर जो रोजगार ना चाकरी चली जाइए कि बेपार पटा ना 30 वर्ष है पु रोजगार करूँ बापा पैसा घर चलू बा न होते तो बाईगला आवरी डोज अधिका रोजगार करनी बाबा कोड़ा अंगारटा ही घड़ी मुड़े जन्म होता के जानी
ବଡ଼ି ଯାହା ଘରେ ଏଇ ତାର ପୁଅ ଦେଖ 20 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବାହାରେ ଯାଇ ଚାକିରି କରିକି 50,000 ଲେଖା ଘରକୁ ପଠାଉଛି। ଦୋତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ମାରି ସାରିଲାଣି ସେ ଆମକି ସାହୁ ବାବୁ ପୁଅ, ଏ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭେଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ବୁଲୁଛି, ଷଣ୍ଡ ହେଇକି ବୁଲୁଛି, ଏ ଦେଖ ବାପା ହୋଟେଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଉଛି। ନାଭିନନ୍ଦନ ପିତା ଦେଖିକି ବାପା ମୁହଁ ଗଢ଼ିଦେବ, ଆଇଲା ଆଇଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ଯଦି ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ବାପାକୁ ଏଇଟା ପୋତି ପକେଇବ ଟକାରି। ବାପା ଅଭିନନ୍ଦନ କରିବନି, ଖୁସି ହେବନି, ପୁଅ କେଉଁଠୁ ଯାଇଥିଲେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା କ୍ଷଣି ବାପା ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖିକି ଖୁସି ଆଉ ହେଇଯିବନି, ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯିବନି, ବିମୁଖ ହେଇଯିବ। ଆଇଲା ଗୋଟେ ରୋଜ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ବୁଝିବି, ଆଇଲା କୋଳା ଅଙ୍ଗାରଟା, ବାପା ଏମିତି କହିବନି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ କହୁଥିଲେ ମାତା ନିନ୍ଦନ୍ତି ନାଭିନନ୍ଦନ୍ତି ପିତା, ବାପା ଅଭିନନ୍ଦନ କରିବ ନାହିଁ ପୁଅର ଯଦି ରୋଜଗାର ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ନା କାନ୍ତାନ ସନ୍ତୋଷ୍ୟତେ, ମାନେ କ'ଣ କାନ୍ତା କହିଲେ କ'ଣ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ କହୁଛେ ଧନର ପରିବାରରେ ଧନର ଆବଶ୍ୟକତାଟା କେତେ, ଧନ କେତେ ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଥିରେ ଅର୍ଥଟା କେତେ ଦରକାର, ଅର୍ଥ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅନର୍ଥର କାରଣ ବୁଝେଇବା। କାନ୍ତାନ ସନ୍ତୋଷ୍ୟତେ, କାନ୍ତା କହିଲେ କ'ଣ ନା ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରୁନଥିବେ, ବାସା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଘରୁ ଆସିଥିବ ଯାହା ଜିନିଷ 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଚଳିଗଲା, ସାବୁନ ଆସିଥିବ 8-10 ଖଣ୍ଡ, ତେଲ ଆସିଥିବ, ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଆସିଥିବ, ଯେତେ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଥିବ ସ୍ତ୍ରୀର ବାପ ଘରୁ, ଆସି 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଅତି ବେଶୀରେ 6 ମାସ ବର୍ଷେ ଚଳିଗଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ସେଥିରେ ଚଳେଇଦେଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲା ଶୁଣିଲାଣି ସେ ପରଫ୍ୟୁମ୍ଟା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଡିଓଟା ପକାଏ ସେଇଟା ସରିଯାଇଛି, ଆମର ଅମକେଇ ପିନ୍ଧିବା ଜିନିଷ ସବୁ ନାହିଁ, ଶାଢ଼ୀ ଚିରିଗଲାଣି, ସାୟା ଚିରିଗଲାଣି, ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ବାପ ଘରୁ ଆଣିଥିଲି ଯାହା ସବୁ ସରିଗଲାଣି, ବର୍ଷେ କାଳ ପିନ୍ଧିଲି, ଆସି ଅମକେଇ ଜିନିଷ ଆଣିଦେବନି, ପ୍ରଥମ ସିନା କିଛି କହିବନି, ବର୍ଷେ ସମାଜରେ ମୁଁ ଖୋଲିବ କି ଆଣିକି ଦିଅ, ନାହିଁ ବ୍ୟବହାର ଆମର ନା, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୋର ରୋଜଗାର ନାହିଁ, କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଚାକିରି ଚାଲିଯାଇଛି କି ବେପାର ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ କି ଆଣିକି ନ ଦେଇପାରୁଥିବା, ସ୍ତ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଯଦି ପୂରଣ କରିପାରୁନଥିବା, ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରିବ? ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି କାନ୍ତାନ ସନ୍ତୋଷ୍ୟତେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ବୁଲେଇକିରି ଶୋଇବ, ସ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ବୁଲେଇକିରି ଶୋଇବ ଏ ଖଟ ଉପରେ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ଯଦି ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଭୃତ୍ୟ କୁପ୍ୟତି ନାନୁ ଗଚ୍ଛତି ସୁତ, ଭୃତ୍ୟ କୁପ୍ୟତି, ଭୃତ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଚାକର ବାକର ମାନେ, ଚାକର ବାକର ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବେ, ଯଦି 3 ମାସ ହେଲାଣି ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି ଆ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ଯାଇକି ମୋ ପ୍ରଶଂସା କରିବି, ଆମେ କି ବାବୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ 3-6 ମାସ ହେଲାଣି ରହିଲିଣି, ଇଏ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଦରମା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ ମାସିକିଆ, ଇଏ 3 ମାସ ହେଲାଣି ଦରମା ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଘରକୁ ମୋତେ ଟିକେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ଘରକୁ ଯିବି କହିଲି ଏ ଆସିଛି ରଜ, ରଜରେ ଘରକୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲେନି, 3 ମାସ ମୋତେ ଦରମା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବେକାରିଆ ଗୁଡ଼ା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ 4 ମାସ ପରେ ତାଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ିଦେବି। ତେଣୁ ଚାକର ବାକର ଯଦି ଘରେ ଥିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଧନ ନାହିଁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯାଇକି ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କପିବେ, ଭୃତ୍ୟ କୁପ୍ୟତି ରାଗିବେ, ସେମାନେ ରାଗିକି ଗାଳି ଦେବେ, ଆଗରେ ନୁହଁ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଯାଇକି ଗାଳି ଦେବେ, ବେକାରିଆ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ସେ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଇପାରୁନି ଆଉ ବାପା ମାଆକୁ ଦେଇପାରୁନି, ମୋତେ କ'ଣ ସେ ଦରମା ଆମକୁ ଦେବ ବା। ତେଣୁ ଭୃତ୍ୟ କୁପ୍ୟତି ନାନୁ ଗଚ୍ଛତି ସୁତ, ସୁତ କହିଲେ ପୁଅ ବା ଝିଅ ହେଉ ବା ପୁଅ ହେଉ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ସେ ଚଳେଇ ନପାରିଲେ, ପୁଅ କହିବେ ବାପା ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିବି, ଆପଣ ଆଣିକି ଦେଇପାରିବେନି କାରଣ ପଇସା ନାହିଁ, ଝିଅ କହିଲା ବାପା ଦେଖ କୁଆର ପୁନେଇ, କୁଆର ପୁନେଇକି ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ଦାମିକି ଆଣିବୁ, ମୋ ପାଇଁ ସବୁ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଝିଅମାନେ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭଲ ଭଲ ଅଛି, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଣିବ। କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପାଇଁ ଆପଣ 1,500 ଟଙ୍କିଆ କି 2,000 ଟଙ୍କିଆ ଡ୍ରେସ୍ ନ ଆଣିକିରି ଗୋଟେ 500 ଟଙ୍କିଆ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇ ଆଇଲେ, ସେ ଆଉ ଖୁସି କ'ଣ ହେଇକି ରହିବ ନା, ପିନ୍ଧିବ ଜବରଦସ୍ତ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ନୁହଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ନାନୁ ଗଚ୍ଛତି ସୁତ କରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଅନୁଗାମୀ ହେବେ ନାହିଁ, ଏ ବୁଝିଲ ଠିକ 10 ବେଳକୁ ଏ ସବୁବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟପୁରୁ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବ, ଠାକୁର ଘରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ନମସ୍କାର କରିବ, ବୁଝିଲ ବହି ବସିକି ପଢ଼ୁଥିବ, ପିଲା କହିବେ ଯାହା ଏକାରିଆ କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଛି, ଆଉ ସେ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ମାଗିଥିଲେ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଲାନି, ଇଏ କହିବେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ କହିଥିଲେ ଆଣିଦେଲାନି କୁଆରକୁ ନେଇକି, ଏଇ ଖାଲି କଥା କହୁଛି ଏଇଆ କରିବ ସେଇଆ କରିବ ସେଇଆ କର, ମାଗିବେ ଏଇ ବାବୁଲାରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣିଦେଲୁ ନା ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସିନା ଗଣେଶ ପୂଜା କହିଥିଲି ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଦେଇଥିଲ, ସେଇଥିରେ ତମେ ମୋତେ କହୁଛ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ଦେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ନାନୁ ଗଚ୍ଛତି ଅନୁଗାମୀ ହେବେ ନାହିଁ, ଆମର ବୋଲ ମାନିବେ ନାହିଁ ଯଦି ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ।
आउ कौन के भ्रातान प्रबोध्यति। भाई जदि आपण पाखे थी सान भाई बड़ भाई थी आपण चाकरी चल जाइए कि दुकान भांगी जा छमास घरे बस रोजगार ना तेणु से समय आप भाज कहे भाज बुझे ना देखु तो तुम छमास मोर चाकरी बाकी चल जाइए दोकाना करी चाह भांगी जाइए भाई की कहतनी कल टी पैसा पत्र कथा ना मुँह कौन भाई कहबी भाई तुम ना मोर भातृबलांति तो नान्य बलम भाई बल ठार बल ना क्षीर जदि खाइबा को इच्छा घरे गाई पड़सा सहित कड़ी जदि करने को इच्छा साते थीब भाई जदि आप क्षीर खाइबा को इच्छा अच्छी घरे गाईटे रखे तेल खाँटी क्षीर खाईपरि जिते आप क्षीर लिटर पिछा 80 टाँह जदि गौड़ को देवे तथा से पा मिसेक दब बुझे क्षीर लिटर 30 टाँह कि 40 टाँह जदि डबल पैसा भी देवे ठीक अच्छे मुझे 80 टाँह लेखा लिटर दौर मत खाँटी क्षीर देव बुंदाए पा मिसेबू ना कि गौड़ तथा 80 टाँह लेखा क्षीर लिटर आपको देने भी सी पा तेज मिसेक देव ना मो गाई क्षीर सुखी जीवनी गाई पना सुखी जीव पूरा पा न मिसेले तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली तेणु खाँटी क्षीर जदि खाइबा को इच्छा तेज़े घरे थी गाई गाई घरे रखी आड़सा सहित कड़ी जदि करने को इच्छा साथे थी भाई भाई जदि सांगे ना पड़सा सहित आप लगे मुंड बाड़ी फटेदे जेल कोर्ट कचेरी पुरे कोर्ट कचेरी आप जेल कले आपको बेल आण किए भाई थी दरकार ना तेणु साथे थी भाई शास्त्र से तेणु से कहुच भातृ बलांगी तो नान्य बलम भाई बल ठार बड़ बड़ ना तेणु भाई कह भाज आम कौज तुम्हें कहून भाई ना मुझे गोटे कौन कह तुम पैसा दरकार होगा तुम भाई कह मुझ कह मोर बिगड़े ना तो हाँ ठीक अच्छे भाई खाली कहीदेव टे नौटा खंड बेलू थी घर मुझे कह भाज हाँ से कथा मुझे कहीदे तुम खबर देदेवि तुम तुम कौन तहत कथबार्ता अच्छे ये कहीदेपर तुम पर भाज कह बुझेल ना दिवर कहते कौन तुम सहित कथबार्ता आज अच्छी ना कथबार्ता कि कथबार्ता सी मो सहित हम सी गोपाल कहूँ मो सहित कथबार्ता कि कथबार्ता मो पकड़े अच्छे तार चाकरी चल जाइए छ मस दुकाना भागी जाइए ना हाँ पा ना भाई बोलते धार कर्ज माग ना कौन धार कर्ज मागे सी कही ना हाँ मत कौला कि कहली मुझे सी डायरेक्ट कहू तुम डायरेक्ट कह सी कह बोलते तुमको आज ना कह गोटा कम कर मुझे 10 बेलू अफिस सब जाऊँ आज 9 बेलू पड़ी 9 बेलू पलिगले आउे माग भाई जदि 10 बेले अफिस जबार थी तेल सी 9 बेलू आगे अफिस पलिब भाई आ प्रबोधना देव ना जदि आपण पैसा ना धन ना तेणु भ्राता न प्रबोध्यते अर्थ प्रार्थना संकया न कुरुति प्यालाप मात्र श्रोत अर्थ जदि ना आप खाली प्रलाप करेंगे सीना कितु कौन सी आपणकर आवश्यकता पूर्ण हम ना वर्तमान समाज आउ तस्माद अर्थ उपार्जन करु सके अर्थे न सर्वे बसा हे कुरुसखा हे कुरुसखे तेणु अर्थे न सर्वे बसा अर्थ द्वारा समस्ते संसार रे बसीभूत हूँ अर्थ द्वारा समस्ते आपण आज्ञार चलती अर्थरे समस्ते बसा तेनाली से अर्थटा पर बहुत आवश्यकता रही अर्थटा बहुत दरकार जब पैसा रोजगार करते सहज कथा नुहे आज जदि किए धनी आज जदि किए टा जहाँ पाखे अच्छी आप भावत ना से तार ई जन्मर संस्कार ये तार पूर्व जन्मर कर्म फल पूर्व जन्मर प्रारब्ध अनुसार आज किए सुखी किए दुखी किए धनी किए गरीब तेणु अर्थटा हूँ सब कुछ अर्थटा को आप नीति बाट रोजगार करते ये सुधीजानी ये हूँ कथा अर्थ जब पैसा पाखे ना पर भुशुड़ी पड़ो तेणु अर्थर आवश्यकता पर नित्यांत आवश्यक पर भल शांति रखापी ये हूँ आज प्रसंग एवं आसतु आज प्रसंग सारे पूर्व आलोचना करिबा आजिर अनुचिंता हे ज्ञानी गुणी मंडली सुधीजानी अर्थटा रोजगार करिबा जेतिकी बड़ साधना अर्थटा को उचित बाटे खर्च करिया मध्ये ताठारो बड़ साधना तेणु से अर्थटा ठीक बाटे आसिबो केमिति धर्म जदि ता सहित जोड़ी हेकि थिबो जदि धर्मर अंकुश धन उपर रही थिबो ताले से धनटी खराब बाटरे बा अनीति अन्याय बाटरे से धन आसीबो ना तेणु से ही धन उपर जदि धर्मर अंकुश थिबो से धनटी अपव्यय खर्च
ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଯେ ଧନ ଉପରେ ଧର୍ମର ଅଙ୍କୁଶ ରଖନ୍ତୁ, ଧର୍ମର ଅଙ୍କୁଶ ରଖି ଧନ ରୋଜଗାର ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଆମ ଚିନ୍ତା, ଏଇଠାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖୁଛୁ ରହୁଛୁ। ହରିଓମ୍, ଶାନ୍ତି ହି, ଶାନ୍ତି ହି, ଶାନ୍ତି ହି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।